हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नई न्यू रेसिपी, जो हम बनाएंगे आलू के कुरकुरे पकोड़े। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू के कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ये 5 आलू, उबले हुए आलू लिए हैं फ्रेंड्स मैंने। और मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा। इसकी जगह अगर आपके पास बेसन तो उसमें फ्रेंड डालना ही डालना होता है, और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कुट्टू का आटा भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, या आप मक्की का आटा भी ऐड कर सकते हो, कि ताकि थोड़ा सा इसमें मतलब करारापन आ जाए। तो हमने इसमें डाल दिया है, और हम इसमें डेली यूज़ के जो भी वो होते हैं मतलब मसाले, हम वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें डालना है फ्रेंड्स, थोड़ी सी हमने डाल दी है इसमें कलर के लिए हल्दी, हल्का सा हमने डाल दिया इसमें धनिया पाउडर। पकौड़े बन रहे हैं तो इसमें हम अजवाइन जरूर डालेंगे फ्रेंड्स। चटपटा करने के लिए इसमें हमने लाल मिर्च ऐड करी है। नॉर्मली हमने ले लिया है नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। मसा मैंने इसमें ले लिया है गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया हमने फ्रेंड्स। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल दिया है हींग, जो कि बहुत ही अच्छा होता है आपको पता है हाजमे के लिए। एंड थोड़ा सा मैंने इसमें ले लूँगी, मैंने ये सुखा के रखा है पुदीना, तो हल्का सा टेस्ट के लिए पुदीना ऐसे में पीस। हमेशा फ्रेंड्स जब पुदीने का सीज़न होता है मैं सुखा के रख लेती हूँ, स्टोर करके रख लेती हूँ। अब हमें इस सबको मेश कर लेना है फ्रेंड बिना पानी डाले, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी चीज़ें डाली हैं, मतलब थोड़ा बेसन डाला है, थोड़ा ही हमने डाला चावल का आटा, तो ये मतलब आलू जो है ये सब सोख लेंगे। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ, मिलते हैं भी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स हमने देखिए बहुत अच्छा सा बना के रेडी कर लिया, आलू मेश कर लिए थे। तो आप अगर आप ये चिपक रहा है, वैसे तो देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, क्योंकि आलू के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, कोई आलू होते हैं पनेले से वो चिपक जाते हैं फ्रेंड। तो आप पानी का हाथ लगा के या तेल में थोड़ा सा तेल लगा कर भी आप इसको कर सकते हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम बनाते हैं, चलिए मैं यहाँ पे हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, देखते हैं छोटे छोटे हम इसको बना लेंगे, बहुत ही फ्रेंड्स करारे बनने वाले हैं, इसकी कोई शेप देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये देखा होगा आपने जैसे कहीं मार्केट में जाते हैं हरी चटनी के साथ खुद करारे वाले जो पकौड़े बन मिलते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये वही वाले होते हैं, ये वही पकौड़े हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती, वो होते बहुत टेस्टी हैं। इसको हमें थोड़ा सिम पर थोड़ा तेज पे अच्छे से, तभी हमारे फ्रेंड्स करारे होंगे ये फ्रेंड्स। हमें बस इसको हल्के हल्के से पलटते रहना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, हल्के हल्के से इसमें लाइट ब्राउन कलर आ जाए, तो अब समझो हमारे पकोड़े जो है अच्छे से फ्राई हो गए। कभी इसको हमें तेज कर लेना है गैस को, कभी थोड़ा सिम कर लेना है ताकि हमारा जो अंदर का ये चावल का आटा और बेसन है थोड़ा पक जाए, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी पके हुए होते हैं फ्रेंड्स, पके हुए डाले हमने, ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही करारे होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ग्रीन चटनी के साथ, मेयोनीज के साथ, किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे पकोड़े, तो हम इसको निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में, प्लेट में। यहाँ पे ले लिए एक सर्विंग प्लेट, तो मैंने रख दिया इसमें केचप, और ये पकोड़े देखिए हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत ही करारे, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आलू हैं फ्राई अच्छे से हो चुके हैं, इसमें आलू वगैरह सब जो भी मसाले थे हमने डाले हैं, तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से हो चुके हैं, आवाज़ से ही पहचान रहे होंगे फ्रेंड्स आप, ये देखिए आवाज़ ही आ रही है आपको, बहुत ही टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना फ्रेंड्स, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।